अरे दारा ना भाई पाक सर्कस ट्रैफिक गार्ड के एक सार्जेंट को बदमाशों के ग्रुप ने इतनी बुरी तरह से मारा है कि वो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सीरियस हालत में भर्ती है। सोचने वाली बात है कि अब तक तो पुलिस वालों पर ही आम लोगों पर जुल्म करने के इल्जाम लगते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा हो गया है। फांस कोलकाता शहर में एक पुलिस वाले पर हमला हुआ है। विश्वकर्मा पूजा की रात चाइना टाउन इलाके में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक सार्जेंट को बुरी तरह मारा पिटा गया है। तो अब तोपसिया पुलिस स्टेशन की पुलिस वालों की पिटाई करने वालों की तलाश कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना टेंगरा इलाके के चाइना टाउन और क्रिस्टोफर रोड क्रॉसिंग की है, जहां हर रात की तरह मंगलवार की रात भी पाक सर्कस ट्रैफिक गार्ड की ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले नाका चेकिंग कर रहे थे। इल्जाम है कि नाका चेकिंग के दौरान 20-30 बदमाशों के ग्रुप ने अचानक पुलिस वालों पर हमला कर दिया। नशे में धूत उन लोगों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को जमकर थप्पड़ और घूंसे मारे। उन्हें लाठियों और बांस से भी पिटा गया। इस हमले में ट्रैफिक सार्जेंट कौतुक घोष, एक सिविक वॉलंटियर और एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस की बाइक और PCR वैन में भी तोड़फोड़ की। इस मारपीट में ट्रैफिक सार्जेंट कौतुक घोष बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें फौरन चितरंजन अस्पताल ले जाया गया। उनकी गर्दन, पैर और सर पर गहरी चोट आई है। कांस्टेबल और सिविक वॉलंटियर भी घायल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि पुलिस वालों पर अचानक हमला क्यों हुआ। इसे लेकर असमंजस की हालत बनी हुई है। टॉपसिया थाने की पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। पुलिस वालों पर जानलेवा हमला करने वालों की पहचान के लिए CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि इससे भी पहले बंगाल के अलग अलग हिस्सों में पुलिस वालों पर हमले की कई खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन खास कोलकाता में हुई अब तक तो पुलिस वालों पर ही आम लोगों पर जुल्म करने के इल्जाम लगते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा हो गया है। खास कोलकाता शहर में एक पुलिस वाले पर हमला हुआ है। विश्वकर्मा पूजा की रात चाइना टाउन पुलिस वाले में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक सार्जेंट को बुरी तरह मारा पिटा गया है। तो अब स्याथाने की पुलिस वालों की पिटाई करने वालों की तलाश कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कि ये घटना टेंगरा इलाके चाइना टाउन और क्रिस्टोफर रोड क्रॉसिंग की है, जहां हर रात की तरह मंगलवार की रात भी पाक सर्कस ट्रैफिक गार्ड की ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले नाका चेकिंग कर रहे थे। इल्जाम है कि नाका चेकिंग के दौरान 20-30 बदमाशों के ग्रुप ने अचानक पुलिस वालों पर हमला कर दिया। नशे में धूत उन लोगों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को जमकर थप्पड़ और घूंसे मारे। उन्हें लाठियों और बांस से भी पिटा गया। इस हमले में ट्रैफिक सार्जन कौतु घोष, एक सिविक वॉलंटियर और एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस की बाइक और PCR वैन में भी तोड़फोड़ की। इस मारपीट में ट्रैफिक सार्जन कौतु घोष नहीं पता चल पाया है कि पुलिस वालों पर अचानक हमला की हुआ। इसे लेकर असमंजस की हलक बनी हुई है। टॉपसिया थाने की पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। पुलिस वालों पर जानलेवा हमला करने वालों की पहचान के लिए CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि इससे भी पहले बंगाल के अलग अलग हिस्सों में पुलिस वालों पर हमले की कई खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन खास कोलकाता में हुई इस घटना से सनसनी फैल गई है।